फैक्ट नंबर वन गाइस, आमतौर पर हम लोग ऐसे पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान हो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी है, क्योंकि आसानी से याद होने वाले पासवर्ड्स हैकर्स का काम आसान कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के कारण पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स की संख्या में इजाफा हुआ है। हाल ही में मोबाइल सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने भी 20 ऐसे पासवर्ड्स की लिस्ट जारी की है जो कि बेहद आसान है और आम लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ABC123, 11111 और QWERTY जैसे पासवर्ड्स इसमें शामिल है। इसमें एक और पासवर्ड है आई लव यू, जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसी आसान पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट खतरे से खाली नहीं है, अपना पासवर्ड तुरंत चेंज कर लें। फैक्ट नंबर टू, अब तक सिख सैनिक पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहन पाते थे, इससे उन्हें सर पर गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता था और ये आर्मी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। भारत में स्थित डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MKU द्वारा डिजाइन किया गया ये नया लड़ाकू हेलमेट एक सिख सैनिक के लिए बिना किसी कठिनाई के और आराम से अपनी पगड़ी के ऊपर पहना जा सकता है। कंपनी के मुताबिक ये हेलमेट गोलियों से चौतरफा सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हेलमेट में अपनी तरह का पहला मल्टी एक्सेसरी माउंटिंग सिस्टम है जो हेड माउंटेड सेंसर और आधुनिक लड़ाकू उपकरण जैसे नाइट विजन गॉगल्स, हेलमेट पर कैमरे और संचार प्रणाली को सक्षम बनाता है। गाइस, MKU के द्वारा बनाए गए इस शानदार हेलमेट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर थ्री गाइस, Netflix आज लोगों का पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म बन गया है और इसके पीछे की असली वजह है उसका गजब का बिजनेस प्लान, जो कि आपको भी समझना चाहिए। दरअसल Netflix ये चाहता है कि आप Netflix का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जल्द से जल्द कोई ना कोई मूवी जरूर देखें और उसके बाद Netflix आपकी सर्च और वॉच हिस्ट्री को इस्तेमाल करके मूवीज का एक कस्टमाइज थंबनेल सिर्फ आपके लिए डिजाइन करवाता है। जैसे कि अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद है तो थंबनेल में आपको रोमांटिक डांस का सीन जरूर दिखेगा, और अगर आपको इमोशनल फिल्में पसंद है तो वो थंबनेल पर किसी एक्टर को आपको रोते हुए दिखाता है। Netflix के ऐसा करने से उस मूवी पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह से Netflix आपको अपना एडिक्ट बना लेता है और आप उसके बाद Netflix को जरूर पे करते हैं। फैक्ट नंबर 4, 1970 में नेस्ले कंपनी ने जापान में कॉफी बेचना शुरू किया, लेकिन तब वो अपने इस बिजनेस में बुरी तरह असफल हुए। वजह ये थी कि जापान के कल्चर में लोग चाय को बहुत पसंद किया करते थे, इसलिए वो कॉफी के स्वाद से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बाद नेस्ले ने कुछ ऐसा किया कि जापान का पूरा कल्चर ही बदल दिया। दरअसल नेस्ले ने कॉफी फ्लेवर की एक कैंडी लॉन्च की, जिसके कारण जापानी लोगों को कॉफी के टेस्ट की आदत लग गई, जिसके बाद कॉफी पूरी तरह से जापान के कल्चर का हिस्सा बन गई। और आज 50 साल के बाद जापान हर साल कॉफी पर 1.5 लाख करोड़ खर्च करता है और इस तरह जापान में सबसे बड़ी कॉफी कंपनी नेस्ले बन गई। फैक्ट नंबर 5, चुनाव में एक उम्मीदवार वोट पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। लोगों के घर घर जाकर वोट मांगता है, अपना जी जान लगा देता है। लेकिन महाराष्ट्र चंद्रपुर के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक भी वोट नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र इटेकर नाम के इस उम्मीदवार को न तो जनता ने वोट दिया, न ही परिवार के किसी सदस्य ने, और तो और उसका भरोसा देखिए, उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया और इस तरह उसे एक भी वोट नहीं मिला, जिसके चलते वो चुनाव बुरी तरह हार गया। जरा सोचिए ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।